नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों फाइनली जो है इंडियन एयरफोर्स ने अदर स्टेट के लिए भी वैकेंसीज निकाल दी हैं। आप सभी को पता है इंडियन एयरफोर्स अब जो है ओपन रैलीज पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों लगातार हर ज़िले में वैकेंसीज निकल रही हैं, ओपन रैलीज निकल रही हैं। अब दोस्तों दो नए स्टेट, एक तो हरियाणा और एक बिहार में वैकेंसीज निकाल दी हैं। इससे पहले दोस्तों गुजरात राजस्थान में भी वैकेंसीज आ चुकी हैं और अब दोस्तों हरियाणा और आपकी जो है बिहार में वैकेंसीज निकाल दी हैं, ओपन रैलीज निकाल दी हैं। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन .cdse.in पर हूँ। यहाँ पर दोस्तों नीचे आप आओगे और यहाँ पर अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ पर आप जाओगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों बिहार के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है, उसके बाद यहाँ पर हरियाणा के लिए वैकेंसीज निकाल दी हैं, आप क्लियरली देख सकते हो। सो यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, जो आपकी रैली होगी बिहार में दोस्तों उसकी जो आपका वेन्यू है, लोकेशन है, वो है 10 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एयरफोर्स स्टेशन बिहार पटना। पटना में वैकेंसी रैली होगी दोस्तों, आपकी डेट ऑफ बर्थ रखी गई है दोस्तों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2000 या फिर 30 दिसंबर 2003 है या फिर इन दोनों डेट्स के बीच की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। एक्स ग्रुप के लिए ये रैली हैं दोस्तों, केवल एक्स ग्रुप के लिए जो है ये रैलीज रखी गई हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों आपका ऑफलाइन रहेगा, मतलब पहले फिजिकल होगा, फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपका जो है रिटर्न एग्जाम होगा। दोस्तों डेट ऑफ एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात करें तो 9 अक्टूबर 2020 से लेके 20 अक्टूबर 2020 तक ये रिक्रूटमेंट रैली चलने वाली है पटना में बिहार में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों वो 27 सितंबर 2020 से 28 सितंबर 2020 शाम के 5 बजे तक आप जो है अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों आप ऑफिशियल डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर दिया है। दोस्तों सभी डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखिएगा, बिहार से अगर आप हो, बिहार का अगर आपके पास डोमिसाइल है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एक दिन में दोस्तों मैक्सिमम 175 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, इसीलिए जो आपकी रिक्रूटमेंट रैली है वो लगभग 10 से 11 दिन चलेगी। सो यहां पर जो है सारी डिटेल आपको दी हुई है दोस्तों, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और अगर आप ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको उसका पीडीएफ मिल गया होगा। सो ये एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर लीजिएगा और सारी डिटेल रीड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूसरी रिक्रूटमेंट रैली की, जो कि निकाली गई है हरियाणा के लिए। सो दोस्तों हरियाणा में काफ़ी सालों में जो है आपकी रिक्रूटमेंट रैली आई है, ओपन भर्ती आई है। यहां पर जो रिक्रूटमेंट रैली होगी दोस्तों वो आपकी 1 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अंबाला कंटोनमेंट में होगी। कहां पर होगी दोस्तों? ये होगी 1 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अंबाला कंटोनमेंट हरियाणा में होगी। सो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेम है दोस्तों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 2000 या फिर 30 दिसंबर 2003 या फिर इन दोनों डेट्स के बीच की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सेम ग्रुप एक्स की रिक्रूटमेंट रैली है, ऑफलाइन आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट की डेट है दोस्तों, एग्जामिनेशन डेट है, वो 9 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक चलने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन की, तो सेम रजिस्ट्रेशन डेट है 27 सितंबर 2020 से लेके 28 सितंबर 2020 शाम के 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ध्यान रखिए दोस्तों, आप रिक्रूटमेंट रैली का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आपने 10+2 कर रखी है दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर दोस्तों क्लिक करके आप जो है एडवर्टीजमेंट को भी डाउनलोड कर पाओगे। सो यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट मैंने डाउनलोड कर लिया है, एक बार मैं आपको डिटेल्ड क्वालिफिकेशन भी बता देता हूँ। अगर आपने दोस्तों 12वीं पास कर ली है फिजिक्स मैथमेटिक्स और इंग्लिश से कम 50% मार्क्स आपके हैं एग्रीगेट करके, और कम से कम 50% मार्क्स आपके हैं इंग्लिश में, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो, पॉलिटेक्निक कर रखा हो इंजीनियरिंग में, तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हो। सो ये दोस्तों सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन आपको मैंने बताया, सबसे पहले आपका PFT होगा यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें आपकी 1600 मीटर रन होगी, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको लगानी होगी, 10 पुशअप 10 सिटअप्स होंगे। रिटर्न टेस्ट होगा उसके बाद दोस्तों, फिर आपको यहां पर
पैटर्न भी बताया हुआ है, सेम पैटर्न रहेगा ऑनलाइन एग्जाम वाला ही। एक क्वेश्चन आपको सही उत्तर के लिए दिया जाएगा और 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 लिया जाएगा। देन आफ्टर दोस्तों आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपको लेटर्स दे दिए जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए, ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए। सो दोनों ही एडवर्टीजमेंट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर इसके पीडीएफ ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। सो दोस्तों जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऑफिशियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंडियन रोजगार को डाउनलोड करने का लिंक दिया है, वहां से आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं क्योंकि आपका रिटर्न एग्जाम भी होगा। सो दोस्तों एक वीडियो मैं सेपरेट बना आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट रैली का प्रोसीजर बताऊंगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा लीजिएगा। सो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।